Hello everyone, myself Kishan Gupta and I am going to give and present the topic operation of the biometric system. Let's get started. First is the introduction of the biometric system. The basic definition of the biometric is biometric is the science of establishing the identity of an individual based on the physical and behavior attributes of the person. Biometric तरह का system होता है जिसमें person अपने physical और behavior characteristics को देता है, इनपुट करता है उसके अंदर और वो डाटाबेस में जाके सेव हो जाते हैं ताकि दोबारा उस पर्सन की आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन आसानी से हो सके. ऑपरेशन ऑफ द बायोमेट्रिक सिस्टम. बायोमेट्रिक वर्क्स ऑन द फोर मेजर पॉइंट. फर्स्ट इज द सेंसर मॉड्यूल, सेकंड इज द क्वालिटी असेसमेंट एंड फीचर्स एक्सट्रैक्शन मॉड्यूल, थर्ड इज द मैचिंग मॉड्यूल एंड फोर्थ इज द डाटाबेस मॉड्यूल. इट इज द प्री डायग्राम ऑफ द वर्किंग ऑफ द biometric system. Let us see. First is the sensor, second is the pre-processing and third is the feature extract. For example, agar koi person apna impression, thumb impression ek sensor ke upar rakhta hai, to wo sensor us raw data ko, us raw individual data ko collect karega aur pre-processing karke uske kuch feature extract nikal kar apne data store template mein save kar lega aur is process ko kehte hain element the process. Second time अगर यही व्यक्ति अपना इम्प्रेशन उस सेंसर के ऊपर रखता है तो वो डायरेक्ट उसका पर्सन को आइडेंटिफाई कर वेरिफिकेशन करके उसको रिजल्ट दे देगा कि पर्सन आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है. सेंसर मॉड्यूल. सेंसर मॉड्यूल एक तरह का प्लेट होती है जिसके ऊपर एक पर्सन अपने इम्प्रेशन देता है, यानी कि और बायोमेट्रिक सिस्टम का ये बहुत ही बेसिक पार्ट है. अगर ये नहीं होगा तो बायोमेट्रिक रॉ डाटा को एक्वायर नहीं कर सकता, ना ही वो आगे कोई प्रोसेस हो सकती है. सेकेंड इज द क्वालिटी असेसमेंट एंड फीचर एक्सट्रैक्ट. अगर कोई व्यक्ति अपना इम्प्रेशन देता है तो वो बायोमेट्रिक सिस्टम उस इम्प्रेशन के कुछ माइन्यूशे पार्ट निकालेगा, कुछ फीचर्स ऐसे निकालेगा जिससे वो ये साबित कर सके कि हाँ ये व्यक्ति के ही इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसको वो अपने डाटा में सेव कर लेगा ताकि समय बचे और वो पर्सन समय पर वेरीफाई हो सके. मैचिंग मॉड्यूल एंड डिसीजन मेकिंग मॉड्यूल. मैचिंग मॉड्यूल यानी कि अगर वो पर्सन के इम्प्रेशंस अगर उस डाटाबेस में सेव हैं तो दोबारा वो पर्सन अगर अपने फीचर्स एक्सट्रैक्ट अगर दोबारा वो पर्सन अगर दोबारा वो पर्सन अपना ही इम्प्रेशन उस सेंसर पर रखेगा तो मशीन ऑटोमेटिकली उसको वेरीफाई और आइडेंटिफाई कर लेगी क्योंकि उसके जो इम्प्रेशन है अगर उसके स्टोर टेम्पलेट में सेव होगा तो. सिस्टम डाटाबेस मॉड्यूल. द डाटाबेस एक्ट एज द रिपॉजिटरी ऑफ बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग एनलोड प्रोसेस. जो एनलोड प्रोसेस होती है यानी कि टेम्पलेट स्टोर करने के बाद स्टोर टेम्पलेट में वो डाटा सेव होने तक की प्रोसेस को एनलोड प्रोसेस कहते हैं और इसी वो जो डाटा सेव हुआ है उसके डाटा बेस में इसी को पूरा सिस्टम डाटा बेस मॉड्यूल कहते हैं. जैसे उसका नेम हो गया, उसका पिन हो गया, उसका एड्रेस हो गया, उसके कुछ एक्सट्रैक्ट फीचर्स हो गए एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एप्लीकेशन ऑफ द बायोमेट्रिक. बेसिक वैसे तो आप आजकल हर फील्ड में बायोमेट्रिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और वैसे देखा जाए तो आजकल तो बहुत सारे बायोमेट्रिक सिस्टम स्मार्टफोन्स में भी आ रहे हैं समय बचाने के लिए वो सब चीज़ें. लेकिन कुछ ऐसे बायोमेट्रिक एप्लीकेशंस हैं जो हमने यहाँ पे दिए हुए हैं जैसे कि एटीएम के यूजेस में, सर्वर फोन्स में, डेस्कटॉप में, पीसी में, चाहे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में हो, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी हो, चाहे वो आपकी पर्सनल सिक्योरिटी हो, हर जगह बायोमेट्रिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. सेकेंड इज द क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन यानी कि अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है और उसके फिंगरप्रिंट अपने पास हैं और अपने डाटा में सेव हैं, अगर वो दोबारा से नेक्स्ट टाइम अगर वो क्राइम कमिट करता है तो अपने पास टाइम बचेगा और अपन उसके फिंगरप्रिंट को अपने डाटा में सेव करके पता लगा सकते हैं कि ये क्राइम किस व्यक्ति ने किया हुआ है. सेकेंड इज द की लेस एंट्री डिवाइसेज. उसमें अपन को कुछ देना नहीं होता, उसमें अपन को कोई डाटा सेव देना नहीं होता, वो सिर्फ अपना एक की लेस हो जाता है. जैसे कि आजकल स्मार्टफोन्स में है थंब इंप्रेशन रखा नहीं और फोन ऑन. एंड फोर्थ द एयरपोर्ट सिक्योरिटी. एयरपोर्ट सिक्योरिटी पे भी एक बेसिक रोल प्ले करता है. और कंक्लूजन इसका बायोमेट्रिक्स का ये है कि बायोमेट्रिक क्या है, एक तो टाइम बचाता है, ऊपर से इसमें कोई एरर नहीं होता. अगर किसी पर्सन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं तो उसमें 99.9% उसका रिजल्ट जो होता है वो एक्वायर रहता है, उसका बहुत ही सही रहता है. कोई उसमें वो नहीं होता, एरर नहीं होता. और आगे ग्रोथ का भी बोला थैंक यू.